Hello everyone, welcome back to your UPSC. So guys, in the last class we started with geography of Rajasthan, where we were studying about physical features of Rajasthan. Okay, so we will continue with our physical features of Rajasthan. So without any further ado, let's get started. So in the last class we discussed about all the physical regions. ठीक है, सारे फिजिकल रीजन्स को एक बार अपन ने देखा था ब्रीफली, एंड देन इनके सब पार्ट्स एंड सब सब पार्ट्स जो थे उन सब को भी देखा था. ओके, नाउ इन सारे फिजिकल फीचर्स को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो एक बार एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू विद आवर सेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिजिकल फीचर्स हैं राजस्थान के, उनको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है. वी हैव वेस्टर्न डेजर्ट, ठीक है, या वेस्टर्न सैंडी प्लेन. उसके बाद में वी हैव अरावली रेंजेस, ठीक है, देन वी हैव ईस्टर्न प्लेन, एंड लास्टली वी हैव हाडौती रीजन. ओके, सो ये क्या है, ये आपके चार रीजन्स हैं. अब जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. यहाँ पर आप देखेंगे सैंडी एरिड प्लेन आपको देखने को मिलेगा एंड सेमी एरिड बेसिन देखने को मिलेगा. जो सैंडी एरिड प्लेन है वो डिवाइडेड है इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज मरुस्थली एंड देन सेकंड वन इज ड्यून फ्री ट्रैक. ओके, देन सेमी एरिड बेसिन इट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे घग्गर प्लेन, नागौर अपलैंड, देन वी हैव शेखावाटी रीजन, एंड लास्टली वी हैव लूनी बेसन. नाउ देन आगे चलते हैं अपन अरावली रेंजेस की तरफ. अरावली रेंजेस को हिली रीजन भी कहा जा सकता है. तो हेयर वी हैव फोर पार्ट्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नॉर्थ ईस्ट हिल ट्रैक. ओके, या फिर इनको अलवर रेंज भी बोलते हैं. उसके बाद में द सेंट्रल अरावली रेंजेस. ओके, द सेंट्रल अरावली रेंजेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज सांबर बेसन, या फिर आप इसे कह सकते हैं शेखावाटी लो हिल्स, या फिर सांबर बेसन. एंड देन सेकंड वन इज मेरवाड़ा हिल्स. ओके, नाउ इसके बाद आगे जब अपन देखेंगे अरावली रेंजेस में, वी हैव मेवाड़ रॉकी रीजन. ओके, या फिर इसे बोराट प्लेटो, बोराट का पठार भी कहा जाता है. एंड लास्टली वी हैव आबू ब्लॉक रीजन. ओके, सो दीज आर द फोर सब कैटेगरी ऑफ अरावली रेंजेस या अरावली रेंजेस या हिली रीजन. ओके, देन आता है अपना ईस्टर्न प्लेन्स. ईस्टर्न प्लेन्स में वी हैव थ्री पार्ट. फर्स्ट इज चंबल बेसन, देन वी हैव बनास बेसन, एंड लास्टली वी हैव माही बेसन. ओके, देन आता है अपना हाडौती रीजन. हाडौती रीजन में आपको दो पार्ट्स दिखेंगे. फर्स्ट इज डेकन प्लेटो रीजन. डेकन प्लेटो रीजन, या इसको डेकन हाईलैंड भी कहा जाता है. एंड लास्टली वी हैव विंध्यन रेंजेस. ओके, या फिर सॉरी विंध्यन रीजन. सो दीज आर द फीचर्स. अब एक एक करके इन सारे फीचर्स को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो जो आज अपन लेंगे वो है वेस्टर्न सैंडी प्लेन. ओके, सो हेयर वी कैन सी जो आपका वेस्टर्न सैंडी प्लेन है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द वेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान टू टिल द अरावली रेंजेस. ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ क्या होता है, शेयर होता है थार डेजर्ट अपना. ओके, तो ये पाकिस्तान तक एक्सटेंड करता है. तो पाकिस्तान का थार, ओके, उसके साथ बॉर्डर शेयर होंगे अपने, एंड ये एक्सटेंड होगा राजस्थान में टिल अरावली रेंजेस. ठीक है, तो वेस्टर्न मोस्ट साइड से लेकर अरावली रेंजेस तक ये एक्सटेंड होता है.
नॉर्थ में पंजाब, ओके पंजाब हरियाणा, इन डिस्ट्रिक्ट से ये क्या करेगा अपनी बॉर्डर शेयर करेगा. एंड देन वी हैव गुजरात इन द साउथ. ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्सटेंट है. नाउ एज यू कैन सी, अगर एरिया अपन देखें तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट रीजन अक्वायर करता है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रीजन अक्वायर करता है ऑफ आर राजस्थान. ओके, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान. ठीक है, तो जो थार डेजर्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन ऑफ राजस्थान. ओके, देन यहाँ पर आप देखेंगे अरावली के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो अरावली का वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न, जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके तो अरावली का वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न जो अरावली रीजन है उसको कवर करेगा कौन सा रीजन, थार रीजन. नाउ इट इज़ बाउंडेड बाय गुजरात इन साउथ. ठीक है, तो साउथ में आपको गुजरात देखने को मिलेगा, ईस्ट में इसके आपको अरावली रेंजेस, देन वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है अपने, एंड देन इन नॉर्थ वी हैव पंजाब. ओके, सो ये क्या हो गया अपना एक्सटेंट हो गया किसका, वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स ऑफ राजस्थान का. नाउ अगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की जाए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं इसमें, तो वी हैव हनुमानगढ़, गंगानगर, ठीक है, देन वी हैव बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर एंड झुंझुनू. ठीक है, तो एक बार वापस से देखें, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, देन वी हैव बीकानेर, देन जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर एंड झुंझुनू. तो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, जो आपका वेस्टर्न सैंडी प्लेन है वो कवर करता है कितने डिस्ट्रिक्ट्स को, 13 डिस्ट्रिक्ट को. ठीक है, या तो कम्प्लीटली या पार्शली 13 डिस्ट्रिक्ट इसके एक्सटेंट में आते हैं. ठीक है, नाउ जैसा कि अपन ने देखा था, वी हैव टू सब कैटेगरीज ऑफ वेस्टर्न सैंडी प्लेन. ओके, तो वेस्टर्न सैंडी प्लेन की जो दो सब कैटेगरीज थी, पहली थी सैंडी एरिड प्लेन एंड सेकेंड वन वॉज सेमी एरिड बेसन. ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे अपन सैंडी एरिड प्लेन को, विच वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज मरुस्थली एंड देन वी हैव ड्यून फ्री ट्रैक. तो सैंडी एरिड प्लेन जो है वो टोटल अगर आप देखें तो वेस्टर्न सैंडी प्लेन का लगभग 61% एरिया अक्वायर करता है. ओके, जस्ट अ सेकेंड, तो जो आपका पूरा क्या है, जो आपका सैंडी एरिड प्लेन है वो पूरे वेस्टर्न सैंडी प्लेन का 61% एरिया अक्वायर करता है. ठीक है, अब इसमें से आपके क्या हैं, दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज मरुस्थली एंड सेकेंड वन इज ड्यून फ्री ट्रैक. तो जो येलो वाला पार्ट है वो क्या है, मरुस्थली है, एंड देन दिस ग्रेश रीजन इज ड्यून फ्री ट्रैक. तो ऑब्वियसली एज वी कैन सी, सैंडी, जो सैंडी एरिड प्लेन है उसका मैक्सिमम पार्ट इज कवर्ड बाय मरुस्थली रीजन. ठीक है, अब अगर इस एरिया को देखा जाए सैंडी एरिड प्लेन को, तो इसकी पॉपुलेशन लगभग 40% है.
ओके, इट हैज अबाउट 40% ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, तो पूरे वेस्टर्न सैंडी प्लेन की लगभग 40% ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन सैंडी एरिड प्लेन. देन यहाँ पर आप देखेंगे वेस्टर्न साइड में बात करें तो आपकी, सॉरी वेस्टर्न साइड में बात की जाए तो 50 सेंटीमीटर्स रेनफॉल होती है, विच बिकम्स लेस एज वी मूव फर्दर टूवर्ड्स वेस्ट. ठीक है, धीरे 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 कम होती जाती है. यहाँ पर आप देखेंगे 20 सेंटीमीटर्स तक ही रह जाती है रेनफॉल. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको वास्ट एक्सटेंट ऑफ सैंड देखने को मिलेगा. एरियाज की अगर बात की जाए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ये कवर करता है, तो वी हैव जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ एंड श्री गंगानगर. तो ये जो एरियाज हैं ये इसके कवरेज में आते हैं. किसके कवरेज में? सैंडी एरिड प्लेन के कवरेज में. अब यहाँ पर आपको वास्ट एक्सपेंस ऑफ सैंड भी मिलेगा, वहीं बीच बीच में आपको कहीं पे रॉक आउटक्रॉप भी देखने को मिलेगा. रॉक आउटक्रॉप बेसिकली क्या है? सी, आपको कई जगह ऐसा दिखेगा जैसे कोई रॉक बाहर है. ठीक है, तो एक प्लेन एरिया की तरह, पथरीले रीजन की तरह आपको रॉकी रीजन देखने को मिलेगा जहाँ पर सैंड ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी. स्पेशली वी कैन से ड्यून फ्री ट्रैक्ट है, वहाँ पर आपको रॉक आउटक्रॉप देखने को मिलेगा. ठीक है, बाकी जगह वी हैव वास्ट एक्सटेंड ऑफ सैंड. ओके, अब सबसे पहले अपन लेंगे मरुस्थली रीजन. सो मरुस्थली रीजन को अगर अपन ले तो वी हैव बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ एंड गंगानगर. तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का भी थोड़ा पार्ट इसमें आ जाएगा. देन वी हैव जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, ये वाला एरिया भी इसमें है. ठीक है, बीकानेर, बाड़मेर वाला एरिया भी इसमें है. टोटल एरिया की अगर बात की जाए तो वी हैव 1,20,500 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ टोटल एरिया ऑफ थार डेजर्ट. ठीक है, थार डेजर्ट का टोटल एरिया को अगर अपन देखें तो इट इज़ 1,20,500 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. ठीक है, अब यहाँ पर आपको लीनियर सैंड देखने को मिलेंगे. ठीक है, लीनियर सैंड सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको अपन स्तूप कहते हैं. ठीक है, बालू का स्तूप मतलब सैंडी ड्यून्स. ज़्यादा सैंड आपको शेखावाटी रीजन में देखने को मिलेगी. ठीक है, ज़्यादा सैंड शेखावाटी रीजन में देखने को मिलेगी. अब सैंड ड्यून्स की अगर हाइट की बात की जाए तो सैंड ड्यून्स विल रेंज फ्रॉम समवेयर फ्रॉम 6 मीटर्स। ठीक है, लेंथ की बात की जाए अगर 3 to 5 किलोमीटर्स. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मरुस्थली में आपको ड्यून्स मिलेंगे. ड्यून्स वी हैव ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, देन वी हैव ट्रांसवर्स ड्यून. लॉन्गिट्यूडनल ड्यून दे आर फॉर्म्ड पैरेलल टू द फ्लो ऑफ विंड. ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में विंड बह रही है उसी डायरेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेंगे? ड्यून्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, उसी डायरेक्शन में आपको ड्यून्स देखने को मिलेंगे. एंड देन वी हैव ट्रांसवर्स ड्यून जो कि जहाँ पर हवा बह रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स वी हैव बरखांस. ठीक है, तो जो बरखांस हैं वो आप देखेंगे कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फॉर्म होते हैं. गेटिंग द पॉइंट? तो बेसिकली शेखावाटी रीजन में देखने को मिलेगा आपको कि बरखांस ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं. ओके, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन. ठीक है, डेजर्टिफिकेशन के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? डेजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसवर्स ड्यून्स. लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आपको देखने को मिलेंगे इन जैसलमेर एंड बाड़मेर रीजन. ठीक है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मतलब विंड के डायरेक्शन में फॉर्म होने वाले सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, नाउ एक टाइप के सैंड ड्यून की बात हुई थी यहाँ पर, दैट वॉज शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स. ठीक है,
जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है उनको लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? धारियां, ठीक है, धारियां, सॉरी, नाउ शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स अपन ने देख लिए, बरखांस के मैंने बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बरखांस आर बेसिकली क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून्स, ठीक है, तो इनकी चंद्राकार क्या होती है, इनकी बनावट होती है, गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरीके के ये क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं। आगे अपन चलते हैं टुवर्ड्स ड्यून फ्री ट्रैक। अब ये जो ड्यून फ्री ट्रैक आपको देखने को मिल रहा है, ये इट अक्वायर्स कंपैरेटिवली लेसर एरिया, ठीक है, ये क्या है, लेसर एरिया अक्वायर करता है, को क्या, ड्यून फ्री ट्रैक। अब यहां पर आप देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, वी विल हैव बीकानेर, जैसलमेर, देन फालौदी रीजन एंड पोखरण रीजन। ये चार आपके क्या हैं, रीजन्स विच आर कवर्ड बाय और विच आर हैविंग ड्यून फ्री ट्रैक, ठीक है। इसका एरिया अगर अपन देखें तो एरिया इज 65 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, सॉरी 65 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब ऑब्वियसली अगर ड्यून फ्री ट्रैक है तो आपको एक रॉक आउटक्रॉप देखने को मिला, ठीक है। अब जो रॉक आउटक्रॉप है उसमें रॉक किस टाइप की होगी, ठीक है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन रॉक्स, ओके। तो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन रॉक्स जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं यहां पर, एंड ये जो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन रॉक्स हैं ये अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट दे बिलोंग टू जुरासिक एंड ईओसीन फॉर्मेशन, ठीक है, जुरासिक फॉर्मेशन या ईओसीन फॉर्मेशन से ये बिलोंग करती हैं, ओके। तो ड्यून फ्री ट्रैक है तो ऑब्वियसली इट इज ड्यून फ्री एंड इट इज रॉकी, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज इट इज रॉकी तो यहाँ पर स्मॉल हिल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो 65 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसके अंदर आपको स्मॉल हिल्स देखने को मिलती है इन जैसलमेर टाउन, ठीक है। तो इट इज बेसिकली अ रगेड हिली काइंड ऑफ एरिया, ठीक है। तो ये एक तरीके का छोटी छोटी हिल्स, ठीक है, टूटी फूटी हिल्स, इस टाइप का एरिया है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रॉक है, ठीक है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी हिल्स हैं जो पॉपुलर हैं वो देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल वी हैव 56 हिल्स ऑफ बाड़मेर, ठीक है, देन वी हैव मनाली माउंटेन रेंज, मलानी माउंटेन रेंज, मलानी माउंटेन रेंज के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा हल्देश्वर हिल पीक, ठीक है। जो हल्देश्वर हिल पीक है उसमें मिनी माउंट है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आपको ग्रेनाइट हिल्स भी देखने को मिलेंगी, कहाँ पर, जालौर में, ठीक है, कहाँ पर, जालौर में। अब ये जो हिल्स हैं या ये जो रॉक्स हैं ये दीज आर बेसिकली ग्रिड कॉन्ग्लोमरेट, ग्रिड कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, देन या तो ये ग्रिड कॉन्ग्लोमरेट टाइप की देखने को मिलेंगी या ये नीशेज और शिस्ट टाइप ऑफ रॉक्स होंगी या फिर ग्रेनाइट टाइप ऑफ रॉक होंगी, ठीक है। तो दीज रॉक्स दैट आर एक्सपोज्ड, ये आपको चार टाइप्स की रॉक में से मिलेंगी, या तो ये ग्रिड कॉन्ग्लोमरेट है या नीशेस है या शिस्ट है या फिर ग्रेनाइट है, ओके। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली योर ड्यून फ्री ट्रैक। अब ड्यून फ्री ट्रैक के बाद वी हैव कंप्लीटेड आर सैंडी एरिड प्लेन। अब सैंडी एरिड प्लेन के अलावा वी विल हैव सेमी एरिड बेसिन। जो सेमी एरिड बेसिन है ये भी किस में आता है अपना, ये भी आता है
आर वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स में, ठीक है। तो वेस्टर्न सैंडी प्लेन में जो अपना सेमी एरिड रीजन आता है उसे अपन राजस्थान बांगर भी कहते हैं, राजस्थान बांगर। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वी हैव जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर एंड बाड़मेर। ये आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि किसमें आएंगे, सेमी एरिड बेसिन में या राजस्थान बांगर में। एरिया वी हैव 7500 स्क्वायर किलोमीटर या 7500 स्क्वायर किलोमीटर। रेनफॉल की अगर बात करें तो रेनफॉल इज 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। रेनफॉल इज 20 सेंटीमीटर्स और ये लाए करता है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न सैंडी प्लेन, ठीक है। वेस्टर्न सैंडी प्लेन के ईस्टर्न पार्ट में ये लाए करता है एंड इट इज ड्रेन्ड बाय लूनी। साउथ ईस्ट पार्ट की बात की जाए तो लूनी जो रिवर है उससे ये ड्रेन होता है, ठीक है। वो यहाँ पर बहती है लूनी रिवर। अब बिकॉज इट इज नॉट एज फर्टाइल रीजन एज गंगा प्लेन, तो यहाँ पर आपको रिवर्स अपने फुल फ्लो में या इस तरीके से नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। दिस इज ऑब्वियसली अ डेजर्ट रीजन, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत भी अगर पानी वी कैन सी मतलब एक स्ट्रीम है या गली टाइप में है तो वो काफ़ी अच्छे अमाउंट का पानी माना जाएगा, ठीक है। तो डोंट कंसिडर लूनी रिवर टू बी अ वास्ट रिवर, ठीक है। तो राजस्थान में ऐसे कोई वास्ट इस तरीके के फॉर्म में लूनी रिवर नहीं बहती है, ये स्ट्रीम के फॉर्म में या फिर गली के फॉर्म में बहेगी, ठीक है। एंड बिकॉज ये स्ट्रीम या गली के फॉर्म में बह रही है तो आपको यहाँ पर कॉन्ग्लोमरेट लैंडस्केप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रिवर क्या है, मान लीजिए इस तरीके से बह रही है तो बिकॉज ऑफ कटिंग डाउन ये क्या है, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे विद इन द रॉक्स, ओके। अब जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न पार्ट है सैंडी एरिड बेसिन का, सेमी एरिड बेसिन का सॉरी, इट इज कवर्ड बाय सैंड डिपॉजिट। तो सुपरफिशियली नीचे रॉकी रीजन है एंड सुपरफिशियली इट इज कवर्ड बाय द सैंड डिपॉजिट्स। टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ में आपको शेखावाटी ट्रैक देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड दिस शेखावाटी ट्रैक इज बेसिकली अ सेमी एरिड ट्रांजेक्शन प्लेन, ठीक है। ये एक तरीके का सेमी एरिड ट्रांजेक्शन प्लेन है जहाँ पर आपको देखने को मिलती है इनलैंड ड्रेनेज एंड स्ट्रीम, ठीक है। इनलैंड ड्रेनेज आपको देखने को मिलेगा और स्ट्रीम्स आपको देखने को मिलेंगी और इन्हीं इनलैंड ड्रेनेज और स्ट्रीम की वजह से काफ़ी सारी छोटी छोटी लेक्स देखने को मिलेंगी। बट दीज लेक्स आर नॉट फ्रेश वाटर लेक, दीज आर सलाइन लेक्स, ठीक है। तो सलाइन लेक्स में कौन कौन सी लेक्स होंगी, जैसे आपकी सांबर लेक है, देन वी हैव डीडवाना लेक एक्सेट्रा। तो इस टाइप की आपको लेक्स देखने को मिलेंगी। एक्सट्रीम नॉर्थ की अगर अपन बात करें, एक्सट्रीम नॉर्थ में वी हैव घग्गर प्लेन, ओके। तो सेमी एरिड बेसिन में चार पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं वो चार पार्ट्स, वी हैव घग्गर प्लेन, ठीक है। घग्गर प्लेन के बाद वी हैव आर, घग्गर प्लेन के बाद वी हैव आर शेखावाटी ट्रैक, ठीक है। फिर है लूनी बेसिन, सबसे नीचे क्या है लूनी बेसिन एंड जस्ट अ सेकंड, बीच में वी हैव आर नागौर अपलैंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके चार पार्ट्स हो गए, ओके। अब हर एक पार्ट को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम साउथ, ठीक है। तो क्या क्या था अपना, सेमी एरिड बेसिन में
we have Ghaggar Plain, then we have Shekhawati region, then we have Nagaur upland, and lastly we have Luni basin. तो नीचे से स्टार्ट करेंगे अपन साउथ से, तो पहले आएगा लूनी बेसिन. अब लूनी बेसिन के डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात की जाए तो वी हैव बाड़मेर, देन जालौर, जोधपुर एंड नागौर. ओके, एरिया की अगर अपन बात करें तो एरिया वी हैव 34,866 स्क्वायर किलोमीटर्स, 4 स्क्वायर किलोमीटर्स. ओके, नाउ जो बेसिन है, जो लूनी बेसिन है, इट इज ड्रेन्ड बाय लूनी रिवर. ठीक है, तो लूनी रिवर इसको ड्रेन करती है. अलोंग विद लूनी रिवर वी हैव ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी रिवर, जैसे वी हैव बांदी रिवर, वी हैव सागी रिवर एक्सेट्रा. तो ये जो रिवर्स हैं ये भी इसको सपोर्ट करती हैं, ड्रेन करती हैं. नाउ जो बांदी रिवर है, इट कवर्स द एरिया फ्रॉम इट्स सोर्स टू तिवारा. ठीक है, मतलब कि सोर्स से लेकर ये कहाँ तक, बाड़मेर तक इसको ड्रेन करेगी. किसको? लूनी रिवर को. वेयर, वहाँ पर क्या होता है, सुकारी, जो सुकारी रिवर है वो इससे मीट करती है. बाड़मेर के बाद ये सुकारी रिवर से मिल जाती है या सुकरी रिवर से मिल जाती है. एंड दिस बांदी रिवर, ये बांदी रिवर इट इज नॉट लाइक पेरिनियल रिवर, ये एक सीजनल रिवर है. ठीक है, तो रेनी सीजन में आपको देखने को मिलेगी कौन सी, बांदी रिवर. ओके, लूनी की वजह से आप देखेंगे ड्यूरिंग रेन फ्लड आ जाता है इन रीजन में. क्या आ जाता है? फ्लड आ जाता है. सी, अनलाइक जो आपके गंगा प्लेन है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है सॉइल की. बट बिकॉज दिस इज डेजर्ट रीजन, ठीक है, ये डेजर्ट रीजन है, दैट इज़ वाई जो लूनी एरिया है, ठीक है, जो लूनी का ड्रेनेज एरिया है, वहाँ पर क्या है, आपको सैंडी सॉइल देखने को मिलेगी. एंड जो सैंडी सॉइल है, ठीक है, सैंडी सॉइल है, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज नॉट गुड. ठीक है, दैट इज वाई वो जो एरिया है, वो जो एरिया है उनके आसपास वाले एरिया में इन रेनी सीजन क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है. ठीक है, टोपोग्राफी की अगर बात की जाए इन लूनी बेसिन, वी हैव टू टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी. पहला आपको हिल्स देखने को मिलेंगी विथ स्टीप स्लोप, एंड देन आपको एक्सटेंसिव एलुवियल प्लेन देखने को मिलेगा. ठीक है, एक्सटेंसिव एलुवियल प्लेन. अब जो एरिया है, एरिया है, ये जो पूरा एरिया है लूनी रिवर का, जो ड्रेन्ड एरिया है, इसको लोकल लैंग्वेज में नेड़ कहते हैं. ठीक है, इसको लोकल लैंग्वेज में नेड़ कहते हैं. एंड इन दिस होल वेस्टर्न सैंडी प्लेन, ये बेस्ट एलुवियल प्लेन्स में से आता है. ठीक है, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है लूनी रिवर की, वो कौन कौन सी है, बांदी रिवर अपन ने देख लिया, गुइया रिवर अपन ने देख लिया, देन वी हैव जोगरी रिवर, देन वी हैव जवाई रिवर, खेड़ी रिवर, सागरी रिवर. ठीक है, ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसके वाटर को और ज़्यादा ड्रेन करती हैं. जो लूनी और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो साउथ ईस्ट पार्ट में देखने को मिलेंगी आपको. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इसका एक्सटेंशन जब बताया था, दैट टाइम आई टोल्ड यू जो लूनी बेसिन है वो इस एरिया को, इस एरिया में आएगा. ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ जोधपुर. ठीक है, देन वी हैव पाली रीजन, ठीक है, जालौर, ठीक है, सिरोही, ये डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर होते हैं, किसमें, लूनी बेसिन में. अब लूनी रिवर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इट इज़ बोथ फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर रिवर. ठीक है, तो ओरिजिन से लेकर बालोतरा,
ठीक है, ओरिजिन से लेकर बालोतरा तक इसका पानी कैसा होता है? मीठा पानी, ठीक है, मीठा पानी होता है। बट आफ्टर बालोतरा क्या होता है? ये पानी सलाइन हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट? ये पानी कैसा हो जाता है? सलाइन हो जाता है। लूनी बेसिन में आपको काफी सारी आर्टिफिशियल लेक्स देखने को मिलेंगी फॉर वाटर स्टोरेज, ठीक है, जो पुराने टाइम में बनाई गई थी। जैसे वी हैव फतेह सागर, देन वी हैव जवाई सागर, देन वी हैव अनंत सागर, देन वी हैव सरदार समंद, ठीक है, देन वी हैव नया गांव, देन वी हैव सरादा। ये सारे क्या हैं? ये सारे आर्टिफिशियल लेक्स हैं ऑन लूनी बेसिन। ओके, अब आगे चलते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव, जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज आर शेखावाटी रीजन। शेखावाटी रीजन, इसको आप बांगड़ रीजन भी कहेंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? इसमें आता है चूरू, सीकर, झुंझुनू एंड नागौर। ओके, यहाँ पर आपको मेन ऑक्यूपेशन जो दिखेगा यहाँ के लोगों का, वो है लाइफ स्टॉक रियरिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन एंड डेयरी, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक रखेंगे तो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, कैटल वगैरह, तो डेयरी, ये यहाँ का मेन काम है। अरावली हिल्स जो है वो रन करती हैं इस रीजन से फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कटिंग इट ऑलमोस्ट इनटू टू हाफ्स, ठीक है। जो अरावली हिल्स हैं वो शेखावाटी रीजन में रन करती हैं और इसको लगभग दो पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। अगर टोपोग्राफी ऑफ शेखावाटी ट्रैक देखी जाए तो ये क्या है? एक तरीके का अनड्यूलेटिंग सैंडी टेरेन है, ट्रांसवर्स्ड बाय लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। कौन से? लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। बाकी ये क्या है? एक तरीके का सैंडी टेरेन है पूरी, ठीक है। यहाँ पर एक रिवर है जो कि है कांतली रिवर। ये सिर्फ एक रिवर है जो यहाँ पर फ्लो करती है शेखावाटी रीजन में, एंड ये भी कैसी है? सीजनल रिवर है, कांतली रिवर है, और ये क्या है? एक सीजनल रिवर। ये क्या है? एक सीजनल रिवर। यहाँ पर जो आपको मेनली सैंड ड्यून्स दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे? ट्रांसवर्स टाइप, बरखान टाइप के सैंड ड्यून्स, ठीक है। अब कुछ कुछ जगह आपको सेल्सेरियस सबस्ट्रैटम एक्सपोज दिखेगा, ठीक है। वहां पर आप देखेंगे जो सी लेवल है, ठीक है, सी लेवल से लगभग 450 मीटर ऊपर तक का आपको क्या दिखेगा? सेल्सेरियस सबस्ट्रैटम, ठीक है। तो जैसे ये पूरा सैंडी टेरेन है आपकी, ठीक है, अब बीच में एक उभरा हुआ पार्ट आपको दिखेगा विच इज सेल्सेरियस इन नेचर, कैल्सीरियस इन नेचर, ठीक है। तो इसकी हाइट लगभग 450 मीटर अबव सी लेवल। ओके, नाउ यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइम देखने को मिलता है इस लैंड में, ठीक है। तो रॉ वेल्स जो है वो डिग किए जाते हैं यहाँ पर। तो जो रॉ वेल्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर डिग किए जाते हैं उनको बोलते हैं नाडा या फिर जौहड़, ठीक है। तो जो डीपेस्ट प्लेस है बेस्ड ऑन, या फिर जौहड़ का जो डीपेस्ट बेस है वो कहाँ है? चौम्बी, चौम्बी में, ठीक है, वो कहाँ है? चौम्बी में। तो ये बेसिकली क्या है? शेखावाटी रीजन के बारे में। अब नेक्स्ट आएगा, नाउ नेक्स्ट फीचर वी हैव इज आर नागौर अपलैंड। अब नागौर अपलैंड एज अ नेम सजेस्ट, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली इन नागौर रीजन, ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। एवरेज हाइट की अगर बात की जाए तो 300 से 500 मीटर की रेंज में इसकी हाइट है, ठीक है। अब ये बेसिकली आप देखेंगे शेखावाटी रीजन और जो आपका लूनी बेसिन है उसके बीच में एक एलिवेटेड रीजन है, ठीक है, एक एलिवेटेड रीजन है। रेनफॉल की अगर बात करें तो 25 सेंटीमीटर्स इन द वेस्ट
ठीक है, एंड 50 सेंटीमीटर्स इन द ईस्ट. तो 25 to 50 एक्सटेंड करता है क्या, रेनफॉल. यहाँ पर आपको कई जगह हिल्स देखने को मिलेंगी, सैंडी हिल्स, एंड कई जगह आपको डिप्रेशंस देखने को मिलेंगे. नाउ सी व्हाट हैपेंस इज, जब फ्लड आता है, ठीक है, जब फ्लड आता है तो क्या होता है, पानी इन डिप्रेशंस में इकट्ठा हो जाता है. एंड नाउ बिकॉज वी नो दिस एरिया इज हैविंग हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा. ठीक है, अब जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो आप देखेंगे, व्हेन वाटर इवेपोरेट्स, यहाँ पर जो पानी में सॉल्ट मिक्स थे वो तो इवेपोरेट नहीं होते इसके साथ, तो वो तो क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे. तो वो जो सॉल्ट हैं वो बेसिकली आपको क्या दिखेगा, एक तो सॉल्ट देखने को मिलेगा, सॉल्ट डिपॉजिट देखने को मिलेंगे, एंड आपको देखने को मिलेगा सोडा डिपॉजिट. ठीक है, एंड ये जो सॉल्ट है इट इज़ बेसिकली मकेशियस टाइप ऑफ रॉक, इट बेसिकली कम्स फ्रॉम मकेशियस टाइप ऑफ रॉक्स बिकॉज ऑफ ड्रेजिंग. ठीक है, ड्रेजिंग की वजह से क्या होता है, नीचे जो मकेशियस टाइप ऑफ रॉक है वो वाला जो रॉक का सॉल्ट है वो कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, जो ये वाटर है उसी को कंज्यूम करेंगे लोग, तो एक्सेसिव फ्लोराइड कंज्यूम कर लेते हैं ह्यूमन बीइंग. ठीक है, एक्सेसिव फ्लोराइड कंज्यूम कर लेते हैं ओरल ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ऑफ विच क्या होता है, जो बोन में एक कर्वेचर आ जाता है. ठीक है, बोन क्या होती है, मुड़ जाती हैं. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो मकेशियस रॉक है जो कि पानी में मिल जाता है, जो ये सॉल्ट है, ये बेसिकली ह्यूमन में डिफॉर्मिटीज पैदा करता है. ठीक है, ये क्या करता है, डिफॉर्मिटीज पैदा करता है. इस एरिया को अपन बोलते हैं बैंक पट्टी या फिर खब्बर पट्टी. ठीक है, अब जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्लोराइड है राजस्थान में वो कहाँ पर है, वो मखराना रीजन में, जो आपका सरवा गांव है, जो सरवा गांव है मखराना रीजन में, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट देखने को मिलेगा वाटर के अंदर. ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्लोराइड देखने को मिलेगा आपको पानी के अंदर. अब नागौर अपलैंड हो गया, नाउ टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट दैट इज घग्गर बेसिन. अब जो घग्गर बेसिन है वो उसका ओरिजिन हुआ है घग्गर रिवर, जो कि आती है आपकी शिवालिक हिल्स से. ठीक है, हिमाचल प्रदेश से आती है. ठीक है, राजस्थान में आप देखेंगे इसका फ्लो है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से एंटर होगी तो टिब्बी तहसील है वहाँ से एंटर होती है, देन गंगानगर, एंड उसके बाद फोर्ट अब्बास है जो पाकिस्तान में, वहाँ पर ये पाकिस्तान में चली जाती है. ठीक है, तो हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़, गंगानगर एंड इंडिया में फोर्ट अब्बास तक ये रहती है. ठीक है, अब जो घग्गर रिवर का फ्लो है उसे क्या कहते हैं, नाली या पट. ठीक है, राजस्थान में इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रानी या नाली या पट, एंड पाकिस्तान में इसे कहते हैं हाकड़ा, हाकरा. ठीक है, अब जो घग्गर हाकरा है वो बेसिकली एक रेन फेड सिस्टम है. ठीक है, रेन फेड सिस्टम है पूरा का पूरा जो घग्गर हाकरा सिस्टम है आपका. ठीक है, और ये जो एरिया जिसको ये कवर करती है, ठीक है, जहाँ पर ये फ्लो करती है, तो इसके आसपास ये वाले एरिया को ही अपन क्या कहते हैं, घग्गर प्लेन. ठीक है, अब ऑब्वियसली ये क्या है, सैंडी प्लेन में है, तो इट इज़ अ सैंडी प्लेन जिसको कभी कभी सैंड्यून्स इंटरसेप्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रीम बह रही है बट उसके आसपास वाला एरिया कैसा है, सैंडी ही है. ठीक है, तो सैंड्यून्स भी यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे इस सैंडी प्लेन को, एंड बीच बीच में आपको स्मॉल सैंड हिल्स भी दिखाई देंगी. ठीक है, घग्गर ही एक क्या है, इंटरनेशनल रिवर है. ठीक है, इंटरनेशनल रिवर कैसे, क्योंकि ये
राजस्थान में भी बह रही है एंड देन कहाँ पर जा रही है, पाकिस्तान में, ठीक है। और ये ही सिर्फ एक ऐसी रिवर है इन राजस्थान जो कि एंटर करती है फ्रॉम द नॉर्दर्न डायरेक्शन, ठीक है। तो जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें याद रखना, घग्गर रिवर इज द ओनली रिवर ऑफ द स्टेट दैट एंटर्स फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ये कहाँ से एंटर हो रही थी, ये एंटर हो रही थी टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? तो ये बेसिकली क्या है, पूरा आपका वेस्टर्न सैंडी प्लेन जो कि यहाँ पर होता है खत्म। सो गाइज विद दिस वी विल एंड आर लेक्चर फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको इशू हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर डाउट्स। सो आज के लिए अपन इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।